देखिए स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, जिनके एक जिनका बायो स्ट्रांग होता है और केमिस्ट्री भी स्ट्रांग होता है, फिजिक्स वीक होता है। दूसरे का केमिस्ट्री वीक होता है, फिजिक्स स्ट्रांग और बायो स्ट्रांग। और तीसरे का हो सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग और बायो वीक हो। तीसरे वाले को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। फर्स्ट वी टॉक अबाउट बायोलॉजी। देखिए इसके अंदर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपके पास स्ट्रांग बायोलॉजी है तो आप 320 को क्रॉस कर सकते हो, ठीक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। लेकिन अगर आपको वीक है, मतलब आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती, ज़्यादा आपका रिवीजन इतना अच्छा नहीं है, आपको एग्जाम्पल्स इतने अच्छे से याद नहीं रहते, फिर बायो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो स्कोर करने के रिलेटेड, तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप एटलीस्ट 280 प्लस तो स्कोर कर लो। और ऐसे में आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा कि आपको फिजिक्स में भी ज़्यादा स्कोर करना है और केमिस्ट्री में स्कोर करना ही है। लेकिन आप बायो को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो तो ये आपको धोखा भी नहीं देगा। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो कुछ के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके बन जाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपसे नहीं बने, आपको समझ में ही नहीं आया, लेकिन बायो के अंदर ऐसा नहीं होता। बायो के अंदर आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। तो ऐसे में बायो जो है आपको 320 से ऊपर ले जाए, इतना तो आप स्टडी कर लो, ठीक है। उसके बाद में आप केमिस्ट्री के अंदर आपको जोर लगाना पड़ेगा अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है, और आपको कोशिश करनी होगी कि आपको 160 के आसपास केमिस्ट्री में स्कोर करना है। एक दो मार्क्स नीचे हो जाएंगे चलेगा, वो फिजिक्स के अंदर बढ़ जाएंगे, और ऐसे में आपको पीछे 120 मार्क्स बचते हैं जो कि आपको फिजिक्स के अंदर लाने होते हैं। अब बायो के अंदर 320 से ऊपर कैसे जाना है मैं आपको बता देता हूँ। सबने बोला होगा कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी यही बोलूँगा एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ कुछ बेसिक सी चीज़ें और करनी होती हैं। अगर आप एनटीए की स्टडी करते हो कि एनटीए ने कैसे पेपर बनाया है, उसको अच्छे से डीपली आप स्टडी करते हो, तो आपको मिलेगा ये कि आपके लास्ट 10 से 15 साल पुराने जो स्टेट पीएमटीज के पेपर हैं, वो भी स्पेशली आपका वेस्ट बंगाल के पीएमटी, कर्नाटक की पीएमटी और केरला की पीएमटी के जो पेपर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बायोलॉजी के अंदर ही, और वो भी स्पेशली जो सेल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है और थोड़ा बहुत इकोलॉजी के अंदर क्वेश्चंस हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और 2019 के अंदर भी 3 से 4 क्वेश्चन जो है इन्हीं पीएमटी के अंदर से आए हैं, और काफ़ी डिबेटेबल आंसर भी उनका था, जो कि आपको हो सकता है कि एनसीईआरटी के अंदर ना मिले, लेकिन वो उन क्वेश्चंस को जो आंसर्स थे वही आंसर्स एनटीए ने माने हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना चाहिए। एक्स्ट्रा मीन्स ये है कि आपके सिलेबस से बाहर हो तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं हो कि आप जैसे कि आकाश है, एलन है, उनके अंदर बहुत सारे जो मॉड्यूल्स हैं बहुत सारा डीप डीप में दे रखा, तो वो सारे पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में है। इसके अलावा एम्स के एसर्स एंड रीजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे भी नीट 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आ रखा है, वो भी काफ़ी डिबेटेबल था। अगर आपको डायरेक्ट आंसर मालूम होंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो देखिए सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको 320 को क्रॉस करना है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा चैप्टर हैं। देखिए आपको बता देता हूँ कि पिछले 3-4 साल में एएपीएमटी या फिर नीट का जो ट्रेंड था वो था कि बायोटेक की तरफ उनका झुकाव जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बायोटेक के क्वेश्चन जो है दूसरे चैप्टर के अंदर मिक्स होकर भी आ रहे हैं, उससे हो रहा है कि जेनेटिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया और आपका जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इनहेरिटेंस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो एनटीए जो है वही ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, और उसी के हिसाब से क्वेश्चन जो है बायोटेक से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपको बायोटेक के ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत अच्छे से उसको एनसीईआरटी से रीड करना चाहिए, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नहीं दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, और हो सकता है कि आप बाहर से थोड़ा पढ़ लो। उसके अलावा इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इकोलॉजी के अंदर से आ जाएंगे। और उसके बाद में अगर आप बात करते हो 11th की, तो देखिए सेल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो है क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, और प्लांट फिजियोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता ज़रूर है और था भी, लेकिन अब क्वेश्चंस थोड़े कम हो रहे हैं, इतने भी कम नहीं है लेकिन थोड़े कम हो रहे हैं। लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी फिर से कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपको एम्स में भी काफ़ी काम आएगा। एम्स के अंदर जो 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें से ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर देखिए कभी कभी होता ऐसा है कि आधे क्वेश्चन जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आ जाते हैं, और वो काफ़ी छोटा चैप्टर है, और काफ़ी जो लोग हैं उसको वो छोड़ देते हैं कि यार ये इसमें से क्या आएगा, लेकिन आधे से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं, और उस ज़्यादा मेहनत जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर करते हैं, कभी कभी उससे एक या दो ही क्वेश्चन आ पाता है। और देखिए ये पूरी यूनिट से जो भी क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा। और इसके अलावा जो आपका डाइवर्सिटी है इसके ऊपर बहुत सारे मिथ होते हैं, बहुत सारे जो है एक्स्ट्रा दे रखा है, बहुत सारी गाइड्स वगैरह हैं, लोग भरे पड़े हैं, वो पढ़ रहे हैं। आकाश एलन के जो मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर उन्होंने मॉड्यूल के मॉड्यूल छाप रखे हैं और नोट्स के नोट्स बनवा रखे हैं, तो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो आपको सारा नहीं पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है अगर आपको नीट को क्रैक करना है। नीट आपका एनसीईआरटी से क्रैक हो जाएगा, और यहाँ तक कि एम्स जो है वो भी डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर से एग्जाम्पल्स देता है विद डायग्राम्स। और देखिए बायो के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका रिवीजन इंपॉर्टेंट है। बिना रिवीजन के बायो के अंदर कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया और आप सोच रहे हो कि इस चैप्टर का मुझे सब कुछ आ गया है, तो ये आप गलतफहमी है, आप गलतफहमी में जी रहे हो। आपको जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे, आपके 80 क्वेश्चन से ज़्यादा तभी सही हो पाएंगे जब आपने एटलीस्ट 10 बार रिवीजन कर रखा हो पूरे अपने सिलेबस का। बायोलॉजी सिलेबस की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फिजिक्स। तो देखिए फिजिक्स के अंदर सब काफ़ी बच्चों का प्रॉब्लम आती है, वो ये मेन प्रॉब्लम है। उनको चैप्टर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है डेरिवेशन उससे नहीं हो पाती है, और डेरिवेशन भी अगर हो गई, फॉर्मूलाज भी उनको याद हो गए, सिचुएशन अगर है, कंसेप्ट भी अगर समझ में आ गए, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि क्वेश्चंस नहीं बन रहे होते हैं। जो अगर मेन जो सिचुएशन एग्जाम के अंदर दे रखी होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी जिससे कि उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखिए, आपको बता दूं सबसे पहले कि आपके बेसिक मैथमेटिक्स है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपको उसके ऊपर काफ़ी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स कर लोगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर लोगे, थोड़ा बहुत प्लस माइनस या कैलकुलेशन करना थोड़ा सीख जाओगे, थोड़ा ऊपर से रफ कैलकुलेशन करना भी सीख जाओगे, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक, उसके बाद में आपको करना ये कि बेसिक जो चैप्टर है, जैसे कि वेक्टर वाला चैप्टर है आपका, वो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, यूनिट एंड डायमेंशन वालों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जितना हो सके उसको टाइम दो, और उसी से आपका पूरा फिजिक्स का कवर होगा, तो उसका ऊपर जितना फोकस करोगे वो आपका बढ़िया रहेगा। उसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स, जो कि आपको काफ़ी डिफिकल्ट भी लग सकता है लेकिन इंटरेस्टिंग भी पॉइंट है, और देखिए वो ऐसा है कि उसके खुद के क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन एम्स जैसे एग्जाम के अंदर देखें आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके 12th वाले चैप्टर हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टेट वगैरह हैं, मैग्नेट वगैरह हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स के अंदर, उनके चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर मैकेनिक्स को उन्होंने घुसेड़ रखा है, और अगर आपको मैकेनिक्स नहीं आता तो उन चैप्टर के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो ये इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, फिजिक्स के अंदर जो है वो ईगो वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि किसी क्वेश्चन को आपने देखा, आपको लग रहा है अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको कैसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मुझे काफ़ी सब कुछ आता है, फिर आप उसी क्वेश्चन के अंदर लगे रहोगे। अगर आपके घर पे भी हो तो आपने बहुत सारा टाइम खराब कर दोगे उस क्वेश्चन के ऊपर, और शायद फिर भी आपसे ना हो पाए, और आपको अगर एग्जाम के अंदर आप अगर आपकी ऐसी हैबिट पड़ चुकी है तो फिर आपका बहुत सारा टाइम खराब होने वाला है, जिससे आपके ओवरऑल मार्क्स जो है वो कम होने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करो, आप जो अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको क्वेश्चन को स्किप करना सीखो, और नीट जैसा पेपर जो है अगर आप अच्छी स्टडी करके जाओगे, बेसिक लेवल की स्टडी करके जाओगे फिजिक्स के अंदर, और एक अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, कुछ इजी चैप्टर जो कि अगर आप कर लोगे तो कि आपके मार्क्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके जो 1D और 2D हैं, अगर उसके बेसिक से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, उसके बाद में सर्कुलर मोशन है वो आपसे हो जाएगा, NLM जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आपसे हो जाएगा, फिर अगर आपका ग्रेविटेशन है वो भी इजीली हो जाएगा, और SHM के जो बिना इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, आपसे हो जाएंगे। जो डॉपलर इफेक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो काफ़ी उसके जो बेसिक से फॉर्मूला लेवल के क्वेश्चन है वो आपसे हो जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स के जो बेसिक से जो क्वेश्चन है, जो कि ग्राफ वगैरह लेवल के हैं, वो आपसे हो जाएंगे, और डीप में अगर नहीं हो पाए तो आप उसको छोड़ सकते हो। उसके बाद में अगर 12th की बात करो तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो आपसे हो जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर डीप सर्किट बना रखा है तो आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर बेसिक सा क्वेश्चन है तो फिर से वो हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी होता है, वो आपसे हो जाएगा। और मॉडर्न फिजिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा आपको पसंद किया जाता है फिजिक्स के स्टूडेंट्स के द्वारा, जिनका वीक होता है वो भी उनको काफ़ी अच्छा पसंद करते हैं, और जो सेमी कंडक्टर है उनके अंदर जो गेट्स वगैरह दे रखे हैं वो काफ़ी आपको ईजी लग सकते हैं। और देखिए, फिजिक्स के अंदर स्कोर करने का सिर्फ एक ही सही तरीका है कि आप स्किप करना सीखो जो क्वेश्चन। अगर आप पहले 5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो 5 ही क्वेश्चन को छोड़ दो। हाँ, ऐसे हो सकता है कि अगर आप 5 क्वेश्चन करोगे, आपको अगर लगातार 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, लेकिन कभी कभी ट्राई करोगे, अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो पीछे से पेपर स्टार्ट करना स्टार्ट करो, यानी 45 क्वेश्चन से स्टार्ट करो। अगर पीछे से अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आगे से स्टार्ट करो, और दोनों तरफ से अच्छे क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो वो क्वेश्चन ढूंढो सबसे पहले जो कि आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत ईजी है, सबसे पहले उसको कर डालो। अगर ज़्यादा जल्दी जल्दी अगर आपको जो आने वाले क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कंफर्म है कि ये सही ही है वो करते जाओगे, तो उससे आपका जो मोमेंटम है वो बूस्टअप होता जाएगा, और ऐसे में जो आपका स्कोर करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती जाएगी। इसके अलावा ये है कि आपके जो फेवरेट चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन को ढूंढ लो सबसे पहले, और उन्हीं क्वेश्चन को सबसे पहले करते जाओ, जिससे होगा ये कि आपकी कमांड उन चैप्टर के ऊपर अच्छी है, और आपको ज़्यादा आप श्योर हो कि इनके क्वेश्चन तो सही होकर ही रहेंगे। उसके बाद में थ्योरी के क्वेश्चन भी ढूंढ लो, और जो ग्राफिकल क्वेश्चन है जो कि आपको लगते हैं कि यार ये दिखने में ईजी हैं उनको पहले पढ़ लो, और जो दिखने में थोड़े से हार्ड लगते हो, थोड़ा ज़्यादा बड़े क्वेश्चन हो जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स दे रखी हैं, उनको अगर वो ईजी भी हैं तो अभी छोड़ दो। अब बात है स्कोर करने की, क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो देखिए, फिजिक्स के अंदर सिर्फ एक ही फंडा है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से याद होने चाहिए, फॉर्मूले से अच्छे से याद होने चाहिए, और इन सबको याद करने में 1 से आधा घंटे के अंदर ही हो जाते हैं। बायो जैसे केमिस्ट्री जैसे नहीं है कि आपको बहुत लंबे लंबे घंटे आपको चैप्टर पढ़ने में देने पड़ेंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे, इसके अंदर यही बोला जाता है कि जितने क्वेश्चन आपके हाथ के नीचे से निकलेंगे जो कि आप पेन से सॉल्व कर रहे हो, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके मार्क्स लाने के। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस भी मैटर नहीं करता, जहाँ पर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ IIT के क्वेश्चन भी सॉल्व करो, सिर्फ एम्स के क्वेश्चन ही सॉल्व करो। आपको लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको नीट के ऊपर आप फोकस कर रहे हो तो जो JEE मेन या AIEEE के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे बनने चाहिए, और उसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में EMCET वाले क्वेश्चन है, और भी जो स्टेट PMTs के क्वेश्चन है, जो फिजिक्स के क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पिछले ईयर्स में जो नीट के जो क्वेश्चन आ रखे हैं
स्पेशली जो लास्ट 5 ईयर में, वो इम्पॉर्टेंट है, उससे जो पिछले आ रखे हैं वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड देन हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो यहाँ पर आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री जो है आपका फिजिक्स का जैसा ही है, उसके अंदर भी आपको कॉन्सेप्ट वगैरह, फॉर्मूला वगैरह आपको याद होना चाहिए, थ्योरी आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे करके जाओगे। उसके बाद में आपका जो मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, अगर वो आपका बहुत अच्छा हुआ तो पूरी फिजिकल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आपको चैप्टर्स वगैरह हैं आपको ईजी लगने लगेंगे। अगर ऑर्गेनिक के अंदर स्कोर करना है तो आपको सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर पकड़ बनानी पड़ेगी, यानी GOC। उसके अंदर आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, जितने भी रूल्स वगैरह हैं वो पूरे हो जाएंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म है वो पूरा हो जाएगा। फिर आपको जितने भी याद रखने वाली चीज़ें, यानी जो नेम रिएक्शन वगैरह हैं, जो रिएक्टेंट्स वगैरह हैं, जो इंटरमीडिएट हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी आपका सारा हो जाएगा। उसके बाद में क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो मैटर करती है, जितने ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतने ही आपका जो माइंड है वो क्लियर होता जाएगा और आपके जो कंसेप्ट हैं वो स्ट्रांग होते जाएंगे। उसके बाद में आता है आपका रिवीजन वाला पॉइंट, वो जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, बायो का जैसा ही है, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज आपके जो कंसेप्ट हैं उतने ज़्यादा आपको याद रहेंगे। उसके बाद में देखिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आपके जो डायरेक्टली क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट हैं वो आपके एनसीईआरटी से पूछा जाता है नीट एग्जाम के अंदर। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि आपको सारा ही रटने वाला काम है, आपको सिर्फ याद करना है, याद करना, याद करना, जितना हो सके आपको याद करना है, जितना आप रट सकते हो, जितना आप स्ट्रक्चर्स को वगैरह बाकी सारे जो चीज़ों को याद कर सकते हो उतने आपको फायदेमंद रहेगा। हाँ, यहाँ पर कुछ कंसेप्ट वाला चैप्टर है जो कि आपका है पीरियोडिक टेबल के अंदर, कुछ कंसेप्ट दे रखे हैं वो, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका केमिकल बॉन्डिंग, उससे 8 से 10 क्वेश्चन जो है, मतलब जो टोटल जितने भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग लगते हैं कि सारे ही जो है केमिकल बॉन्डिंग से ही आए हैं, बिकॉज जो पी ब्लॉक वगैरह, जो एस ब्लॉक वगैरह हैं, उनके क्वेश्चन भी आपको जब भी सॉल्व हो पाएंगे जब आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आता हो। उसके बाद में आपका है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको 101% जो है वो एनसीईआरटी को फॉलो करने की ही ज़रूरत है, बिकॉज अगर थोड़ा बहुत बाहर से भी आएगा तो चल जाएगा, बिकॉज अगर 15 क्वेश्चन आए तो उसमें से आपको 13 क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में से डायरेक्टली मिलेंगे, तो आपको बाहर से कुछ भी उलझुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री में जहाँ तक बात है आपको मार्क्स स्कोर करने की, जो देखिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बिकॉज जो नीट का जो लेवल है उसमें आप इजीली स्कोर कर जाओगे, 35 क्वेश्चन तो आप इजीली कर जाओगे, उसके ऊपर जाना आपके ऊपर है। और देखिए आपके ऊपर भी इसी पे, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी एनसीईआरटी जो कितनी स्ट्रांग है, उसके अलावा जो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपकी कितनी अच्छे से कर रखी है, टेस्ट सीरीज के अंदर आपकी केमिस्ट्री जो है रेगुलर अगर आप अच्छा करते हो उसके अंदर, तो आप फाइनल में भी उतना ही अच्छा कर पाओगे, फिर उससे कहीं ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। और देखिए जो लास्ट 2-3 साल से जो ट्रेंड रहा है उससे यही समझ में आता है, जो केमिस्ट्री है आपका सबसे ईजिएस्ट पार्ट ही रहेगा, तो उसके अंदर आपको स्कोर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि आपको जो है इस पार्ट के अंदर अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पर पीछे रह गए तो आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। और देखिए जो लास्ट के अंदर चैप्टर दे रखे हैं उनको आपको इग्नोर नहीं करना है, उनकी वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी, बिकॉज 1 से 2 क्वेश्चन उनके अंदर आएंगे, और अगर आपको 600 स्कोर करना है तो उन क्वेश्चन को भी करना पड़ेगा, तो उन चैप्टर को भी आप ध्यान में रखकर चलें। ये हो गई आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी फॉर 600 मार्क्स इन नीट 2020। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, उसके बाद में आपकी जो बेस्ट बुक्स हैं नीट 2020 के लिए और एम्स के लिए भी, और इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रिक्स जिसके हिसाब से अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा करेक्ट कर सकते हो, और अगर आपके मार्क्स जो आपको लगता है कि यार मैं इस पेपर में 560 से 570 ही कर पाऊँगा, तो उस टाइम के अंदर आपको ये ट्रिक्स काम आएंगी, जिससे कि आपके 30 से 40 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे और आपके जो 600 स्कोर है वो आपसे हो पाएगा। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के पार्ट 3 के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।